celebrate 16th anniversary celebration. Assalamu alaikum khawateen o hazrat and welcome to the 16th birthday of Hum TV. Taaliyan. Right. हमारा गेस्ट पैनल चेंज हो चुका है. प्लीज़ मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले द सीईओ ऑफ एमडी प्रोडक्शंस मोमना द्रेद, द सीईओ ऑफ हम नेटवर्क द्रेद कुरैशी साहब एंड DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार मलिक साहब इज हियर विद अस. लेडीज एंड जेंटलमैन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल एंड अमेजिंग एक्ट्रेस ऑफ 2020, माई फेवरेट सोनिया हुसैन. And what a lovely saree she is wearing. जाहिरी बात है बुशरा आपा की साड़ी उससे बेहतर है. मैं क्या मैं अपने नंबर टांग लूँ. And ladies and gentlemen, the wonder woman of Pakistan, the president of Hum Network, the woman herself, Sultana Siddiqui. अच्छा जी, तो ये तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम लोग ये सबसे पहले पूछेंगे कि सबसे पहले 16 साल में किसने सबसे ज्यादा तंग किया? तुमने. मैं वाहिद बंदा हूं जो कि आप फोन करती हैं, मैं उससे पहले कहता हूं हेलो, मैं तो पहले पहुंचा होता हूं. नहीं, तुमने कहा 16 साल की उम्र में. ओह चलो, 16 साल का सफर कैसा रहा? और जब शुरू किया था तो आपको लग रहा था कि अच्छा यहां तक पहुंच जाएंगे? नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और अल्लाह का शुक्र करती रहती हूँ. और अब 16 साल हुए तो जिम्मेदारी और बढ़ गई कि क्योंकि ये उम्र ऐसी है इसमें इस उम्र में संभालने का काम ज़्यादा मुश्किल, संभालने का काम ज़्यादा करना चाहिए हमें. तो आई एम हैप्पी, खुश. वाकई देखें, ऑब्वियस बात है, जिसने आपके साथ काम किया है वो सिर्फ आपकी तारीफें कर रहा होता है, बिकॉज यू आर द वंडर वुमन ऑफ पाकिस्तान. और माशाल्लाह माशाल्लाह आपने इतने यहाँ ये पौधे लगाए हैं, ये सब आपके सामने आपकी ही खेती है जो आज आपके सामने बैठी हुई है. लेकिन एक आपकी खेती जो है वो आपके यहाँ भी बैठी हुई है. ऑब्वियसली बात है रेद भाई, आपने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया टेकिंग हम टू द वर्ल्ड, और वो जो इनिशिएटिव था अवार्ड्स भी किए माशाल्लाह माशाल्लाह, शोज़ अमेरिका कनाडा दुबई, आई मीन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड यू आर टेकिंग द प्लेटफॉर्म और टेकिंग हम ब्रांड एंड पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये इनिशिएटिव कहाँ से आया और ये इतनी 16 ईयर्स के बाद आगे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आई थिंक आगे यही है कि पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं, कंटेंट है, इवेंट्स हैं, ये उनकी लोकल लैंग्वेजेस में भी होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, वी आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी टू गो टू मिडल ईस्ट विद अरबिक लैंग्वेज चैनल. देयर आर इंटरेस्ट फ्रॉम टर्की के पाकिस्तानी ड्रामे टर्की में डब होके चलें. वी आर ऑल्सो लुकिंग एट पश्तो स्पीकिंग ऑडियंस. हमने एक किसी के साथ मिल के अभी हम पश्तो चैनल खोला है, तो वी आर टेकिंग दिस साइड ऑल्सो. तो ये जो पाकिस्तान का जो आई थॉट के अब हम लोग को, हम लोग जब भी हम देखते हैं ना कि हमारा पर्पज़ क्या है और कॉज क्या है, और हर चीज़ जो हम करें उसमें एक पर्पज़ होना चाहिए और कॉज होना चाहिए. और लाइफ में भी ना, हर इंसान का कोई पर्पज़ और कॉज होना चाहिए. विदाउट पर्पज़ मेरे ख्याल से देर इज़ नथिंग. और हम के हर बंदा यही सोचता है कि हमें पाकिस्तान का झंडा पहले, और उसमें फिर हम अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, एंड वी लुक ऑल्सो एज अ कॉम्पिटिशन जो है ना वो डिवेलप करता है हमें अच्छा रहने पे और पेस पे रहने पे. एंड दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्पिटिशन आपको बहुत ही जो है ना इनक्रेज करता है. सो अ गुड कॉम्पिटिशन, ऑल योर कॉम्पिटिटर्स एक्चुअली आर योर builders also. True. We look at it with that eye to our competition, and definitely we are very grateful to this country, and also this government also has been very helpful to entertainment industry, and काफी बातें भी हो रही हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बहुत सारे changes भी देखेंगे. इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह the future looks bright, and इसी तरह मेहनत आगे हम लोग और इसी तरह बढ़ते रहेंगे हम के साथ. बाबर साहब सर, obvious बात है, अहद वफा, एक बहुत अरसे बाद एक ऐसा ड्रामा आया जिसने हमारी आप कह लें कि यूथ को इंस्पायर किया, एंड ऑब्वियसली बात है हमारी आर्म फोर्सेस और इनकी जो आपस में कलेबरेशन थी इतने बड़े स्केल पे थी. तो मेरा तो गिला ये इसमें मैं क्यों नहीं था. दूसरी बात ये है कि आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट अहद वफा का
पूरे मेरा ख्याल है पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड दे लव दैट द न्यू यूथ और जिस तरह उसको प्रमोट किया गया. आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे इस तरह की और कोलैबोरेशन आएंगे. जी इंशाल्लाह हम देयर आर सम अदर प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन और ख़ासतौर पर जो इम्पैक्ट अहद वफा ने क्रिएट किया जो उसको पजीराई मिली जिस तरह से स्पेशली जो पाकिस्तान के यूथ ने जिस तरह से उसको पसंद किया और उसके कैरेक्टर्स को उसकी स्टोरी को दैट वाज आल्सो वेरी इनकरेजिंग फॉर अस एज वेल बिकॉज आईएसपीआर ने जिस तरह से हम टेलीविज़न के साथ कलेबरेट करके ये प्रोजेक्ट किया इट हैज़ यू नो गिवन अस अ लॉट ऑफ हार्ट and I'm sure very soon you'll be seeing some more very good projects and while we're at it I'd like to congratulate hum for the kind of work that they are doing. I mean it's been 16 years of quality credibility and Pakistan ke liye is tarah ke jo kaam hum kar raha hai jo hamara media in general kar raha hai मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का मैसेज पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज दुनिया में पहुंचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. बेशक एंड वी नीड मोर ऑफ दिस इंशाल्लाह. ऑब्वियसली बात है जहां हम की बात करते हैं तो एमडी प्रोडक्शंस का इतना बड़ा हाथ है इन मेकिंग क्वालिटी कंटेंट. आपने वेमेन एम्पावरमेंट सोशल इश्यूज़ डोमेस्टिक इश्यूज़ हर टॉपिक को जहां औरतों के हकूक और औरतों की राइट्स की बात आती है आपने ऐसे ऐसे कंटेंट्स बनाए कि यू हैव एक्चुअली रेज द बार. क्यों? मतलब है कि इतनी ज़्यादा एम्बिशन और इतना बार हाई लेके जाना वॉज इट प्लान और ये अल्लाह की तरफ से होता गया? आई मीन कैसा रहा ये सफ़र? देखिए अहमद मुझे जो है कभी भी एंटरटेनमेंट में जब शुरू में मैं आई तो मुझे एंटरटेनमेंट वॉज नॉट समथिंग दैट मैंने कभी सोचा था आने का. हमेशा से अगर मैंने अपने लिए कभी कुछ सोचा था कि मैं किस फील्ड में जाऊँगी तो शायद मुझे किसी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म की किसी फील्ड में जाना था. तो लेटर जब एंटरटेनमेंट मैंने ज्वाइन की तो वो ज्वाइन की एक्चुअली फॉर माय मदर इन लॉ एंड फॉर माय हस्बैंड हुज ड्रीम वाज हम टीवी. सो मेरी रीज़न ये थी ज्वाइन करने की. लेकिन वंस आई ज्वाइंट इन एट अ सर्टेन स्टेज मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि एक्चुअली हम कहते तो इसको एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है लेकिन ये सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म का ही प्लेटफॉर्म है. बिल्कुल. और ये एक आवाज़ है जो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सारी हमारी आवाम की जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और अगर आप उसको उसी तरह उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फील कर लें और आपको ये समझ आ जाए कि एवरी लिटिल वर्ड दैट यू आर शोइंग ऑन योर स्क्रीन हैज़ एन इम्पैक्ट एंड इज़ चेंजिंग माइंडसेट्स तो आपको फिर सिर्फ ये एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं लगता और आप समझते हैं कि इस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से आप हर घर में मौजूद हैं और आप हर घर में लोगों की थाट्स को अफेक्ट कर सकते हैं. सो वंस यू रियलाइज दैट आप इसको रिस्पॉन्सिबली ले ही नहीं सकते और लेना भी नहीं चाहिए और यही हमारी कोशिश है. बिल्कुल बिल्कुल जी ब्यूटीफुल वर्ड जी. ऑब्वियसली बात है जहां हम इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स एंड द सीईओ से बात कर रहे हैं तो एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वाई एज एन एक्टर यू जम्प टू हम प्रोजेक्ट कि हम की प्रायोरिटी क्यों पहले होती है एज एन एक्टर एंड वन ऑफ योर फाइनेस्ट वर्क्स have been with this network. Yes, right. I think बहुत fortunate ये एक बात रही है क्योंकि पिछले दो सालों से आई थिंक मैं बैक टू बैक हम की प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ बीट आगन बीट इस सहे नसीब या अभी मोहब्बत तुझे अलविदा और या शराब ले लें जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स पे मेरी भी वही बात मैं आपको सेकंड करूँगी कि बींग एन एक्टर मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है अपने सर पे लेके चल रहे होते हैं. एंटरटेनमेंट तो ऑब्वियसली टीवी का एक पार्ट है लेकिन मुझे ये लगता है कि ड्रामा इंडस्ट्री जितना ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ें दिखा रही है और जो हम उसके थ्रू सिखा सकते हैं जैसे कि दुरेश साहब ने कहा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो बात होनी चाहिए. बहुत से लोग नहीं उर्दू समझते बहुत से लोग नहीं इंग्लिश समझते तो वो बात जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू सिखा सकें तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चैनल्स यूजुअली इस तरह के टॉपिक्स पे नहीं जाते कि आप मेंटल इश्यूज़ पे बात करें आप डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करें डिप्रेशन पे बात करें या मेंटल इश्यूज़ में भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि इस ज़हन नसीब में दिखाया ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पता है इस बारे में. लोग बहुत कन्फ्यूज थे कि पता नहीं ये शायद फीमेल है कोई लेकिन वो एक आपके हार्मोनल चेंजेस का एक पार्ट था
एंड देन स्किज़ोफ्रेनिक, बहुत सारे लोग स्किज़ोफ्रेनिया को ओवरलैप करते हैं इस चीज़ से कि शायद ये इंसान पजेस्ड है, इसके ऊपर कोई जादू है. तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी बीइंग एन एक्टर भी और प्रोडक्शन हाउस पे भी कि उस चीज़ को उस तरह से उसका पोर्ट्रेल किया जाए. एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू नो आई एम पार्ट ऑफ इट. Celebrate 16th anniversary celebration.